इसका जो प्राचीन नाम था वो था इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वर्तमान में ये भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। ये देखिए सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, यह है FRI, ये इसकी मेन बिल्डिंग की जो मेन गेट है यहाँ पर ये है। और ये देखिए कितने खूबसूरत है, दो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। और ये जो है मेन बिल्डिंग है, और यहाँ से ये पूरी बिल्डिंग है। और ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये इसका आगे का जो फ्रंट जो पार्क है, पार्क टाइप का बनाया गया है। और जो ये है जो मेन जो रोड है वो है ये, और आगे जो मेन गेट है उसका नाम है ब्रैंडिस गेट। जो सामने बिल्डिंग दिख रही है उसमें जो IFS वाले जो लड़के होते हैं, जो IFS जो निकालते हैं, वो यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। जो सामने बिल्डिंग है ये है वो, और ये देखिए यहीं पर उनकी ट्रेनिंग होती है। ये देखिए सामने यह है बिल्डिंग, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ये। और ये देखिए यहाँ पर जो जो क्लासें चलती हैं या MSc की चलती हैं, MSc जो फॉरेस्टी वाले होते हैं उनकी चलती है, या फिर जो रिसर्च वाले हैं PhD वाले उनकी यहाँ क्लास चलती है। यहाँ पर आने के लिए आप देहरादून से किसी भी जगह से अगर आप FRI बोलें तो आपको इजीली बस मिल, आप इजी तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। और इस चीज़ को आप देख सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे देखो हमारे कितना खूबसूरत लग रहा है, सामने देखिए कितने अच्छे तरीके से खूबसूरत इसको करके इसको बनाया गया है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी जाइए और बोलिए कि FRI जाना है, तो आपको टैक्सी मिल जाएगी और बसें आपको आसानी से यहाँ पर आने के लिए मिल जाती हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया, मतलब ये जगह तो मन मोह लेती है आपका। ये देखिए जितनी भी फिल्मों की शूटिंग आपने देखी होगी यही दिखाया गया होगा। अगर यहाँ खड़े होकर कोई बोले कि मैं रसिया में हूँ तो लोग यकीन कर जाएंगे, और थोड़ी सी बर्फ़ ऊपर दिखानी पड़ेगी। तो ये है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, और इसका आप फ्री में नहीं आ सकते, इसके लिए आपको शुल्क देनी होती है, जिसका जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो 10 रुपये, बहुत ही मामूली है, 10 रुपये है, 10 रुपये इसकी शुल्क है। आप 10 रुपये शुल्क लीजिए, बाहर आप टिकट लें, और टिकट लेकर आप अंदर आ सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर जो है 7 या 8 7 है ना पंकज, 7 7 है, हाँ 7 7 जो हैं वो छोटे छोटे से म्यूजियम लैब हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको देखने के लिए आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगेगा, लेकिन उसको एक शर्त है कि उसमें आप फ़ोटो नहीं खींच सकते, उसको आप पिक्चराइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो चीज़ें वहाँ पर संरक्षित की गई हैं वो राष्ट्रीय धरोहर हैं, राष्ट्र की धरोहर है। एशिया में कई चीज़ें, एशिया की कई चीज़ें वहाँ पर संरक्षित की गई हैं। ब्रॉन्ज मिलेगा आपको, देवदार मिलेगा, पीपल मिलेगा, और हर राज्य का, जितने भी भारत के राज्य हैं, सारे राज्यों की जो आवश्यक वनस्पति है जिसको सरकार ने चिन्हित किया है कि इसका मुझे संरक्षण करना है, वहाँ उसको वहाँ पर रखा गया है। यहाँ पे आप 2 जगह से एंट्री ले सकते हैं, एक आप एंट्री ले सकते हैं चक्राता वाले गेट से, और दूसरी ले सकते हैं आप कोलागढ़ वाले रोड से, यहाँ पे एंट्री आप ले सकते हैं। दोनों जगह इसका एंट्रेंस है, और ये जिस तरफ भी आप जाएं आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा। कि देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, ऊपर का देखिए है ना पंकज, बहुत सुंदर किया गया है। हाँ, हर मूवी की जब देखिए, अब गाने में ही दिखाया गया है। अब उनके पास बहुत बड़े बड़े कैमरे होते हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वाह। ये देखिए कितना सामने से सुंदर, मैं आपको अपने पीछे दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितने सुंदर तरीके से इसको दिखाया गया है। जब भी यहाँ पे लोग PhD करते हैं, या राष्ट्रपति यहाँ पे आते हैं दीक्षांत समारोह में, या राज्यपाल आते हैं, तो वो इस जगह पर, वो इस जगह पर दीक्षांत समारोह मनाया जाता है, इस जगह पर दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा। और ये पूरे के पूरा क्षेत्र आपको अद्भुत तरीके से इसको डेवलप किया गया है। फूल देखिए आप, ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं, पूरे के पूरे लाल। ये ऋषिकेश तरफ आप जाएं तो ये पूरी चैनी आपको देखने को मिले, है ना पंकज, कितना सुंदर लगता है ना, है ना। ये देखिए पेड़ पूरे रखे गए हैं, और अगर इसके आप पल्ली का मतलब होता है पीछे की वाली साइड, अगर पल्ली साइड आप चलें तो आपको वहाँ पर कितने मतलब 4-4 5-5 साल पुराने इमली के पेड़ हैं, बड़े बड़े विशाल का आत्मकद, मतलब आपको लगेगा अरे इतना बड़ा इमली का पेड़ हो सकता है क्या, तो इतना बड़ा इमली का पेड़ है। ये देखिए ये इसके पीछे पे हम जा रहे हैं, ये देखिए ये पूरा पीछे वाला इलाका है। ये देखो भवन 2, ये खजूर के पेड़ है,
एक सामने तो है ना बंगज का संग्रहालय है ना, एक ये है, एक सामने, एक ही साइड भी है, एक ये है, हाँ एक ये है, और एक सामने संग्रहालय है, और एक एक ये है, एक ये है अंदर जाने का। देखो कुछ दिख भी रहा होगा इसमें, शूटिंग करना तो खैर मना है भैया, इसलिए हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि पालन करना चाहिए। और ये देखिए ये पीछे साइड वाला है, ये बैक साइड है, ये कोलागर रोड साइड ये है, ये कोलागर रोड की साइड है। ये जो आम के पेड़ लगे हैं 100-150 साल पुराने, इनकी कटाई छटाई करके इनको बनाया गया है, ये देखिए। और जब इसमें बरसात आएगी, बरसात के समय पे अगर आप आएँ तो आपको लगेगा कि हमारा जैकपॉट लग गया, वो कहते हैं ना जैकपॉट, ब्यूटी का जैकपॉट। और अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं, तो वनस्पति शास्त्री हैं, प्रकृति को प्यार करते हैं, तो ये जगह आपके लिए मान के चलो एक स्वर्ग ही है। ये देखिए पिछली तरफ से कितने अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है, पिछली तरफ से बहुत अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है। ये है पिछला इसका एंट्रेंस, आगे पीछे दोनों एक समान है, बस थोड़ा मुख्य और तोरण द्वार जिसे बोलते हैं ना, मुख्य द्वार उसमें ही थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, बाकी आगे पीछे एक जैसा ही है। ये अफीम लगी हुई है, हिरण बोलते हैं ना इसको, पोपी पोस्ता, इसके जो अफीम लगी हुई है, इसी को चीरा लगा करके दूध निकालते हैं, और जब इसका दूध निकालते हैं तो उससे हीरोइन बनती है। ये देखिए पूरे FRI को बहुत अच्छे तरीके से सुंदरीकरण, पूरे FRI का अच्छे तरीके से सुंदरीकरण किया गया है। यह पूरा का पूरा संस्थान 450 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये पूरा आप देखिए 450 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि बहुत ही लंबा एरिया इसमें सम्मिलित किया गया है। ये देखिए पूरा बहुत ही लंबा, और यहाँ पे सब प्रकार की वनस्पति जो है वो रोपी गई है। फिल्मों की शूटिंग के लिए इससे अच्छा आदर्श जगह कुछ हो ही नहीं सकती। आप यहाँ सामने देखिए, जैसे आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में देखा होगा, जो जिस कॉलेज से उस टाइगर श्रॉफ को बाहर करते हैं, वो यही रास्ता है, यहाँ पे आप शूटिंग होती रहती है। और ये बहुत अच्छा शूटिंग प्लेस है, जब इसकी शूटिंग होती है, विराज कुमार राव अपनी मूवी की शूटिंग करके गया है, मूवी का नाम तो हमें नहीं पता लेकिन अभी कर गया है। आपने एक गाना सुना होगा जिसमें वो साउथ का एक्टर है, नाम उसका साथ महेश बाबू है, उसकी गाने की शूटिंग भी यहीं हुई थी। तो FRI जो संस्थान है, ये PhD का काम भी करता है, और यहाँ पे PhD जैसे अनुसंधान के कार्य किए जाते हैं, जो कि यहाँ पर जिसमें PhD की जाती है, ये PhD जो है एक टेस्ट के माध्यम से होती है, आप टेस्ट निकालिए तभी आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। ये विश्वविद्यालय भी है अपने आप में, और यहाँ पे अनुसंधान का कार्य जो है वो विश्व प्रसिद्ध अनुसंधान का कार्य है, इसमें बाहर के व्यक्ति भी आते हैं, और इसमें जो अनुसंधान किया जाता है उसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ ये की जाती है कि एक तो पूरी की पूरी वनस्पति को ये अध्ययन करते हैं, कौन सी वनस्पति लुप्त होने वाली है, कौन सी वनस्पति समाप्त हो रही है, या किस वनस्पति को डेंजरस जोन में रखा गया है, किस वनस्पति की अति आवश्यकता है, उन सबका यहाँ पर अनुसंधान करते हैं। और अनुसंधान करके उनके जो टिश्यू होते हैं, टिशू को क्या किया जाता है, जो अम्ल होता है, नाइट्रोजन क्षार जिसे बोलते हैं, उसके अंदर संरक्षित कर दिया जाता है ताकि भविष्य में इनको उगाया जा सके। अगर इसके आप उसमें जाएं, जो इनका संग्रहालय है, अगर संग्रहालय के अंदर जाएं, वैसे वीडियोग्राफी उसमें अलाउ नहीं है, हम लोग तो गए हैं उसमें, तो उसमें आप देखिए पूरे के पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों के जो पेड़ हैं, आवश्यक वनस्पति है, उसको जार के अंदर या फिर बोर्ड के रूप में रखा गया है। और जब आप वहाँ से, मैंने पता किया, उनसे चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि जो भी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं वो सारी की सारी जीवित अवस्था में हैं। जीवित अवस्था मतलब कैसा है कि उनकी जो सेल्स हैं वो मरे नहीं हैं, अगर उनको उगाया जाए और आवश्यक जलवायु प्रदान की जाए तो वो पुनः उग जाएंगे, इतने अच्छी तरीके से वहाँ पर इनका संरक्षण किया गया है। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जो FRI है, यहाँ का जो प्रबंधन है और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने इसको इतने अच्छे ढंग से इस अनुसंधान में इतने अच्छे तरीके से कार्य किया है कि कभी भी विश्व, सॉरी भारत में या एशिया में, जिसको ये स्पेशल फोकस करता है, वहाँ पर वनस्पतिक हानि होने पर उनकी पूर्ति करने में ये संस्थान सक्षम है।
एफआरआई को अगर हम देखें तो इसकी स्थापत्य कला में ग्रीक रोमन का प्रभाव देखने को मिलता है, और इसके जो आर्किटेक्ट थे यानी कि इसके जो रचनाकार थे वो सीजी ब्रूमफील्ड नामक व्यक्ति थे, और इन्होंने इस चीज़ की को डेवलप किया था। और इसकी एक विशेषता और है जो मैं आपको बताना चाहूँ, इसको अगर आप आगे पीछे और चारों दिशा से अगर आप देखें तो लगभग आपको एक जैसा दिखाई देगा। इसके जो स्थापत्यकार थे यानी कि इसकी जो आर्किटेक्ट जिन्होंने किया था उनका नाम था सीजी ब्रूमफील्ड, और ये ब्रिटिश थे, और ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, और ब्रिटिश थे तो इसलिए उन्होंने जो इसका निर्माण किया था वो रोमन ग्रीक प्रभाव पर के से प्रभावित होकर के किया था। तो ये ब्रिटिश थे, और न केवल उन्होंने एफआरआई का निर्माण किया है बल्कि कई और रसिया की कई संस्थाएं हैं, कई ऑफिसेस हेड ऑफिसेस हैं जहां का उन्होंने निर्माण किया था। तो अगर आप इसको देखें और रसिया के कई, जैसे रसिया की संसद होगी, रसिया का राष्ट्रपति भवन हो गया, तो आप उसको ऐसे देख करके आए तो आपको लगेगा लगभग समान ही है क्योंकि इनके आर्किटेक्ट एक ही हैं। ब्रूमफील्ड साहब ने जो इस संस्थान की स्थापना की थी उसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, थोड़ा सा आप एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसमें गौर से देखें तो इसमें जो चुनाई की गई है, चुनाई मतलब इसको जो ये पेस्टिंग की गई है इसकी ताकि इस चीज़ को रोका जा सके, चिपकाया जा सके, उसमें यहाँ पर एक स्थानीय दाल मिलती है जिस दाल का नाम था उड़द। तो उड़द की दाल और सीसा जिसे लेड बोलते हैं और चूना पत्थर, स्थानीय जो चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती थी, टाल्क भी इसे बोलते हैं, टाल्क भी यहाँ मिलता था जिससे सोप बनता है, इनको लाया गया, उसको गर्म करके बिल्कुल गर्म करके उसको पेस्ट बनाया गया, और फिर उसके को पेस्ट करके इस पूरी बिल्डिंग की ईंटें इसमें चिपकाई गई हैं। तो एक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि इसमें जो है वो स्थानीय मटेरियल को जोड़ करके चिपकाया गया है जो कि सीमेंट से कई गुना ज़्यादा मजबूत है। इसमें उलद की दाल है, सीसा है और स्थानीय चूना है, और इसको बहुत अच्छे ढंग से इसमें पेस्टिंग की गई है, और फिर इस चीज़ को पूरा संरक्षित करके इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया है। इसी स्थापत्य कला के आधार पर, इसी स्थापत्य कला के प्रकार से ये देखिए चारों तरफ से आपको एक जैसा दिखाई देगा। ये देखिए इसी स्थापत्य कला के प्रकार में, इसी स्थापत्य कला के टाइप में रसिया का राष्ट्रपति भवन जिसमें व्लादिमीर पुतिन रहता है जिसे क्रेमलिन बोलते हैं, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलता है। अगर आपने इसे देख लिया तो आप मान लीजिए आपने क्रेमलिन देख लिया, यानी क्रेमलिन का स्थापत्य भी इसी पैटर्न पर डेवलप किया गया है। तो ये है जो एफआरआई है, ये अगर आप इसको देखें तो आपको लगेगा कि आप रसिया में ही घूम रहे हैं, और अगर आप रसिया घूम करके आएँ और फिर आप इसको देखें तो आपको ये लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल हमारे एफआरआई जैसा ही है। कई रशियन व्यक्ति जब यहाँ पे आते हैं, चूँकि आजकल तो इतने ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, कोरोना कल्चर रह चुकी, अगर यहाँ पे आते हैं तो वो इस चीज़ को देखते हैं और बोलते हैं वाओ ये तो क्रेमलिन है, बिल्कुल क्रेमलिन की तरह इसको बनाया गया है, क्योंकि इसके जो ब्रूमफील्ड साहब जो इसके स्थापत्यकार थे, जिन्होंने इसको जो इसके संरचनाकार थे, आर्किटेक्ट थे, वो उन्होंने ही रसिया के क्रेमलिन को बनाया था या उसके आर्किटेक्ट को डेवलप किया था। उसमें जो संशोधन, हालांकि जगह तो पहले से बनी हुई थी लेकिन उसको जो मूर्त रूप दिया, नया रूप, नया लुक दिया था, उसमें उन्हीं क्रेमलिन साहब का योगदान है, इसलिए देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ये देखिए ये जो पिलर बने हैं, आपको मैं आपको पिलर पास से जाके दिखाता हूँ, बहुत बड़े बड़े पिलर बनाए जाते हैं। ये जो पिलर जहाँ भी आपको दिखेंगे, ये जो पिलर आपको दिख रहा है, ये जो आपको पिलर दिख रहा है, ये आपको सामने जो बड़े बड़े पिलर दिख रहे हैं, मेरे पीछे जो पिलर दिख रहे हैं, ये पिलर पूरे के पूरे रोमन स्थापत्य से प्रभावित हैं। यानी कि जहाँ भी आपको रोमन संस्कृति दिखी, जैसे एक पेट्रा जगह मिलती है जॉर्डन में, आप वहाँ जाइए और वहाँ पर लोग रोमन संस्कृति के अवशेष हैं उसे देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा आपको ऐसे ही पिलर देखने को मिलते हैं। तो जहाँ भी पिलर मिले समझ जाइए ये रोमन संस्कृति से प्रभावित होकर के बनाए गए हैं। यहाँ आप कितने बार भी आएँ, यहाँ की बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत लगती है।
टिकटॉक जो स्टार होते हैं वो बहुत आते हैं ना मुझे पे, जितने भी टिकटॉक स्टार आपने देखे होंगे हमारे देहरादून के टिकटॉक स्टार या बाहर के भी, वो गाने आने इस पर बनाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। यहाँ पे जो डांस के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, आप डांस करें तो, चूँकि हमें तो डांस करना नहीं आता, पंकज कर लेता है लेकिन वो करेगा नहीं बिना म्यूजिक में। अगर आप यहाँ पे आके डांस करें और उसका वीडियो बनाएं तो वायरल हो सकता है भैया ये वो। और ये देखिए ईस्ट की साइड है, ये ईस्ट की साइड है और जो है वो वेस्ट की साइड है। तो हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं, यहाँ से नीचे को जाते हैं। आप लोग जब भी कभी भी देहरादून आए तो एक बार FRI ज़रूर देखें। FRI आप इसलिए देखें ताकि आपको ये जो है वो ब्रिटिश स्थापत्य कला का एक नमूना है, यानी यूरोपियन स्थापत्य कला का। ये था हमारा FRI का एक छोटा सा टूर और हम लोगों ने FRI आपको दिखाया। जो भी इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने वो कोशिश की बताने की, हालांकि इन्फॉर्मेशन तो असीमित होती है, बहुत अधिक है। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।